बॉयज, आपका स्वागत है एलकेजी की हिंदी क्लास में। मुझे तो पहचान ही गए होंगे आप, मैं आपकी हिंदी मैम अंकिता ओब्रॉय। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? क से अंग बनाना। आज हम सीखेंगे च से इया कैसे लिखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अपने अपनी कॉपीज निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या आता है? च। च से चटाई। च, च से चटाई। इसके लिए सबसे पहले हमने एक स्लीपिंग लाइन ली, ठीक है, वन बनाया। अभी हमें थोड़ा इस वन से दूर होकर छोटी सी एक स्लीपिंग लाइन और लेनी है। ओके, यहां से हमने इसको सी बनाते हुए वन से जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? च, चटाई। समझ में आया ना? नेक्स्ट आता है छ, छतरी। इसके लिए सबसे पहले स्लीपिंग लाइन, छोटा सा वन, बिल्कुल छोटा सा, टू टाइम्स कर्व किया, उल्टा थ्री बोलते हैं इसको, टू टाइम्स कर्व किया, कर्व को थोड़ा सा ऊपर ले गया और इसकी मूंछों को ऐसे घुमा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ ऊपर से वन ले आए, ये क्या बन गया? छ, छतरी। नेक्स्ट ज, जहाज। इसके लिए भी हमें क्या करना है? सबसे पहले स्लीपिंग लाइन वन बनाया, छोटी सी फिर से स्लीपिंग लाइन और इसको ऐसे करके घुमाया, ये क्या बन गया? ज, जहाज। नेक्स्ट ज, झंडा। स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सब में करनी है, ये मस्ट है, बहुत जरूरी है सब में स्लीपिंग लाइन करना। ओके, स्लीपिंग लाइन, सबसे पहले स्लीपिंग लाइन, छोटा सा वन, हमने नर्सरी में छोटी सी इमली बनाना सीखा था ना, तो ऐसे ही हम छोटी सी इमली बनाएंगे। अब इसका हम क्या कहते थे? पेट है, इसके पेट में से हमने छोटी सी एक लाइन खींची और ये ऊपर जो हमने छत डाली थी, स्लीपिंग लाइन डाली थी, यहां से वन लेते हुए इसके नीचे पूंछ तक लेके आनी है और इसके यहां से जो हमने पेट में से लाइन खींची थी, इस वन से जोड़ देनी है, तो ये हो गया ज, झंडा। नेक्स्ट इया, ये उल्टा सी बना दिया, सर्कल बनाते हैं तो सर्कल का हाफ सर्कल बोल सकते हैं इसको, और या फिर उल्टा सी। इसके पास से हमने छोटी सी लाइन ली, वन बनाया और इसके ऊपर ये छत डाली, स्लीपिंग लाइन, क्या बन गया? इया। च, छ, ज, झ, इया। मैम ने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, को पूरा टॉप लाइन से लेके एंड लाइन तक लिखना है, ऐसे च से लेके इया तक भी आपको टॉप लाइन से लेके एंड तक लिखना है। च की लाइन, छ की लाइन, ज की लाइन, झ की लाइन, इया की लाइन। ओके, समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।